ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंद्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जब हमारे भारत में 2020 में लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक अहम फैसला लिया था और बोला था दिल्ली ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और वहाँ पर काफ़ी लोग ने अप्लाई भी किया था 2020 में और काफ़ी लोगों को पैसे मिले भी थे और काफ़ी लोगों को पैसे नहीं मिले थे जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था। और जिन व्यक्ति को 5,000 रुपये मिला था और अभी तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आया है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, पैसे क्यों नहीं आया है और कब तक पैसे आने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो ऐसे आने वाले हैं जिससे काफ़ी हद तक आप लोगों को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। तो दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 मई के 2 मुख्य फैसला लिया। नंबर 1, 72 लाख लोगों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का ऐलान किया। और नंबर 2, ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपया देने का ऐलान किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2020 में अप्लाई किया था लेकिन उनके 5,000 रुपये उनके अकाउंट में आया था, लेकिन 2021 में अभी तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं, दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 7 से 10 दिनों में उनके अकाउंट में धीरे धीरे करके पैसे भेजे जाएंगे। उन्होंने 2020 में अप्लाई किया था, उनका डाटा दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, तो उन्हीं डाटा के बेस पे उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे और भेजे जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के अकाउंट में क्रेडिट किया भी गया है। तो आप लोगों को वेट करना है, लेकिन ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको 20 दिन 30 दिन आपको वेट करना है। अगर 5 से 10 दिन आपको और वेट करना है, यदि आपके अकाउंट में नहीं आता है पैसे तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया होगा। आपको बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होगा तो इस टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाए। और इसके बाद यदि आपके आधार कार्ड आपके बैंक से आधार कार्ड लिंक है फिर भी अगर अकाउंट में पैसे नहीं आता है तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती किए होंगे। दरअसल आप लोग कुछ टाइम से अपने अकाउंट में ना ही पैसे डाले होंगे ना ही पैसे निकाले होंगे, इसकी वजह से भी आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक न्यू गाइडलाइंस है, उन्होंने पहले ही बता दिया उन्हीं के अकाउंट में पैसे क्रेडिट किया जाएगा जिसका बैंक से आधार कार्ड लिंक होगा। यदि आप लोगों का आधार कार्ड से लिंक है लेकिन फिर भी नहीं आता, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। यदि बैंक से आधार कार्ड लिंक है फिर भी नहीं आता है तो आप लोग बैंक जाकर आप लोगों को सबसे पहले चेक करना है आपका KYC हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यदि आपका बैंक में आधार कार्ड से KYC नहीं हुआ है तो आपको KYC करवा लेना है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है, क्योंकि अगले 7 से 10 दिन से पैसे अकाउंट में उनके भेजे जाने का अनाउंसमेंट किया गया था। आपको पता आज 10 तारीख है और उन्होंने 4 तारीख को यानी कि 4 मई को ये फैसला लिया गया था सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो आप 6ठा दिन है तो यहाँ पे आपको 4 से 5 दिन वेट करना है, तो आपको धीरे धीरे अकाउंट पे क्रेडिट पैसे किए जाएंगे, क्योंकि 2,10,000 लोगों के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे जो कि पिछले डाटा है उसी डाटा के बेस पे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।